नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। महात्मा ज्योतिबा फुले रॉयल कॉलेज से बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में या फिर आप बीएड सेकंड ईयर में हैं, तो आपकी जो बीएड की प्रैक्टिकल डेट है, ठीक है, वो आपकी बढ़ाई जा चुकी है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी ने आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाला मजाक किया है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर आप लिखा हुआ देख रहे हो, सच में यूनिवर्सिटी ने आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला मजाक किया है। मतलब अब बीएड प्रैक्टिकल की जो आपकी डेट है वो आपकी बढ़ चुकी है, यानी कि जो आपकी वो डेट है वो आपकी 25 जुलाई हो चुकी है। यानी कि जो सीधी सी बात है, पहले तो सबसे पहले चलो नोटिस की बात करते हैं, फिर मैं आपकी सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। आपका ये नोटिस है, ठीक है, आप देख सकते हो 10/7/2023 का नोटिस है। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से जो भी बीएड कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या कहा गया है आपके इसमें नोटिस में कि मुख्य परीक्षा 2022-23 बीएड एमएड, यानी कि हम बात करेंगे सिर्फ बीएड वालों की, ठीक है। बीएड प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न कराने के संबंध में आपका यह है, ठीक है, मुख्य परीक्षा 2022-23 बीएड वार्षिक डिप्लोमा में अन्य समस्त प्रयोगात्मक परीक्षाएं संपन्न कराने हेतु 25 जुलाई 2023 तक विस्तारित की जाती है। यानी कि जो आपकी डेट है, जो आपकी पहले क्या थी, वो आपकी थी आपकी 10 जुलाई, है ना। पहले जो आपकी डेट थी वो 10 जुलाई थी प्रैक्टिकल ख़त्म करने की, अब जो आपकी डेट बढ़ा के कर दी गई है 25 जुलाई, है ना। मतलब सीधी सी बात मुझे तो ये समझ में नहीं आती यूनिवर्सिटी की कि आपको फिर 10 जुलाई से प्रैक्टिकल करवाने की क्या ज़रूरत थी, जब आपको पता था कि बच्चे के एग्ज़ाम 20 जून से स्टार्ट हैं, है ना, फर्स्ट ईयर वालों के, और 22 जून से स्टार्ट है सेकेंड ईयर वालों के। तो यहाँ पे टेंशन देने की क्या ज़रूरत थी, जब आपको पता है 25 तक कराए जा सकते थे प्रैक्टिकल, तो एग्ज़ाम टाइम में बच्चों को टेंशन देने की क्या ज़रूरत थी। क्योंकि बच्चा उस टाइम पे इतना ज़्यादा रोहिलखंड का बेचारा परेशान था, उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं प्रैक्टिकल की फ़ाइल बनाऊं या एग्ज़ाम की तैयारी करूं। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे बीच में ही एडमिशन लेने थे यूनिवर्सिटी को, है ना। ये कहते हैं बच्चों का पागल बनाना। मतलब अब ये प्रैक्टिकल बाद में भी तो हो सकते थे, 17 के बाद अगर आप 25 की डेट पहले ही देते, अगर आप नोटिस में ये देते कि हाँ 25 तारीख तक प्रैक्टिकल करा सकते हैं, तो कॉलेज वाले 17 के बाद ही अपने प्रैक्टिकल करवाते। उन्होंने भी बेचारों ने, कॉलेज वालों ने बीच में बच्चों को फटाफट भी परेशान करना शुरू किया कि फटाफट से प्रैक्टिकल कराओ, और एग्ज़ाम के बीच में ही प्रैक्टिकल हो रहे हैं, बच्चा बेचारा एग्ज़ाम भी दे रहा है प्रैक्टिकल भी करवा रहा है। चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करी थी स्टार्टिंग में रोहिलखंड यूनिवर्सिटी ने, सही बताऊँ तो। और ये बहुत गंदा वाला मजाक है। मतलब अब देखो, अभी तो प्रैक्टिकल होंगे ना, अब भी तो 25 तक आप करा रहे हो, लेकिन वह क्या कि एग्ज़ाम के बीच में बच्चों को डिस्टर्ब करना है और कुछ नहीं। चलिए, सभी संबंधित महाविद्यालय इस संबंध में अंक अपलोड कर दे, दिनांक 25 जुलाई 2023 के बाद किसी भी दशा में अंक स्वीकार नहीं किए जाएंगे, तथा ऐसे महाविद्यालय जो इस मध्य अंक अपलोड नहीं करेंगे उनका परीक्षाफल घोषित करने पर विचार नहीं किया जाएगा, एवं इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा। तो ये सारा आपका अपडेट आया है, ठीक है। लेकिन सीधी सी बात है, गलत, बहुत ज़्यादा गलत बात है। मतलब जब आपको 25 जुलाई तक ही अपने प्रैक्टिकल फिनिश करवाने थे, तो आपको पूरी ही डेट 25 जुलाई तक ही देनी चाहिए थी, ताकि 17 तक आराम से बच्चा अपना एग्ज़ाम देता, फिर 17 के बाद अपनी प्रैक्टिकल की तैयारी यहाँ पे वो इतने दिन में इजीली कर लेता, ठीक है, अपनी फ़ाइल वगैरह। वो बेचारा उस दिन पे ही, उस टाइम पे फाइल बना रहा है, उस टाइम पे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, और फाइल बनाना ये तो है नहीं कि छोटा मोटा काम है, बहुत टाइम लगता है। वो रोहिलखंड का जो बच्चा है बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, उसको ही पता है उसने कैसे मैनेज किया उस टाइम पर, ठीक है। लेकिन नहीं, सारी की सारी टेंशन इस यूनिवर्सिटी को एक बार में ही देनी है, ढंग से चीज़ें करानी ही नहीं है। अरे एग्ज़ाम करा लो पहले फिर प्रैक्टिकल करा लो, या प्रैक्टिकल करा लो पहले फिर एग्ज़ाम करा लो, ये भी चीज़ें होती हैं। ये नहीं कि एग्ज़ाम के बीच में आप प्रैक्टिकल घुसा दो, ये चीज़ें नहीं होती हैं। क्योंकि वैसे ही बीएड की अगर डेट शीट की मैं बात करता हूँ, एक एक दिन का गैप मिलता है। अब कैसे बच्चे ने मैनेज किया है वो तो वही जानता है, ठीक है। तो ये सारी मुझे अपडेट देनी थी, जो इनके प्रैक्टिकल अभी तक नहीं हुए हैं, जिनको लग रहा है कि शायद डेट निकल जाएगी, तो आप लोगों की डेट बढ़ चुकी है, 25 तारीख तक आप आराम से प्रैक्टिकल आपके कॉलेज में होंगे, जिनके भी छुटे हुए हैं, और बाकी तो काफ़ी मैक्सिमम तो सबके हो ही चुके हैं, सही बताऊँ तो। कुछ ही कॉलेज के बच्चे हैं, तो सभी के हो ही जाएंगे फटाफट, और आप लोगों का रिजल्ट बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, बाकी आपको कुछ कहना हो इस नोटिस के बारे में और कैसे आप लोग परेशान रहे उस टाइम पर, वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ताकि पता चले कि हाँ यूनिवर्सिटी ने ये चीज़ तो काफ़ी गलत करी थी आपके साथ, कि जब एग्ज़ाम थे तभी आप लोगों के प्रैक्टिकल कराने स्टार्ट कर दिए थे। तो कमेंट करके बता सकते हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ जिसके अभी तक प्रैक्टिकल नहीं हुए हैं, ताकि उनको पता चल जाए कि जो आपकी डेट है बीएड की प्रैक्टिकल की, वो आपकी 25 जुलाई 15 से, अब 10 जुलाई से, अब आपकी 25 जुलाई हो चुकी है। तो चलिए, अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का, अपना खुद का भी, और जमे रहिएगा, चैनल पर बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।